तो हे गाइज, एक बार मैं फिर से आ गया तुम्हारा भाई शाहरुख शेख। तो गाइज आप सोच रहे होगे क्या सराफत भाई किधर, तो सराफत भाई आगे बैठे हैं। और गाइज आज जैसे आप टाइटल और थंबनेल आपने देख लिया होगा तो आपको पता होगा कि आज हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। तो गाइज एक्चुअली में अभी हम पहुंचने वाले ही है, थोड़ा टाइम बाकी, अभी एक्चुअली में 5-6 किलोमीटर और दूर है। जब तक मैं मेरे भाई से मिलवाता हूँ, तो लो सराफत भाई क्या कहना चाहोगे आज पठान के बारे में? सो गाइज चलो सबसे पहले स्वागत करते हैं हम आपके हमारे यूट्यूब चैनल सराफत पठान पर। तो गाइज आज का जो व्लॉग रहने वाला वो रहना पठान मूवी पर, पठान मूवी के आपको रिव्यू देंगे। और हम लोग जा रहे थे वो नदीम भाई काफी समय से आज हमारे साथ में, तो नदीम भाई क्या कहना चाहोगे, कुछ कहना चाहोगे? बहुत एक्साइटेड है आज मूवी देखने के लिए, काफी टाइम से हमने वेट किया था पठान का, फाइनली आज पठान आ गई है तो देखने जा रहे हैं। तो वैसे नदीम भाई से मेरा भरत मिलाप काफी टाइम बाद हुआ है, तो भरत मिलाप आज हुआ है तो आज कुछ बातें भी गपशप भी करेंगे। और आज का जो व्लॉग है वो पठान मूवी रिलेटेड रिव्यू रहेगा। तो और गाइस आज हमारे साथ में कुछ स्पेशल गेस्ट भी, उनसे भी मैं मिलाऊंगा, तो ये कैमरा मुझे दे दीजिए आप। सो गाइस तो आपको जैसे ये पता होगा कि आप सोच रहे हो कि शाहरुख आज इतना एक्साइटेड क्यों है, क्योंकि गाइस पठान मूवी को लेके हमने काफी ज्यादा वेट किया। इतना तो किसी मूवी का या किसी सीरीज का हमने वेट नहीं किया होगा, तो इतना वेट करने के बाद फाइनली गाइस आज वो दिन आ गया कि हम जा रहे हैं एक्चुअली मूवी देखने के लिए। और उसके बीच में हमारे बीच में दो नए मेहमान है, जो एक हमारे थोड़े से मिस क्लोज है, क्लोज नहीं कह सकते बोले तो, वो हमारे इधर ही है, तो उनसे भी मिलाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जिशान नायक जी जो हमारे साथ में, उन्होंने मीन्स आपने काफी सारी वीडियो में उनको देखा होगा। और हमारे साथ में आज स्पेशल गेस्ट है जो है अमन भाई, अमन भाई है गुजरात से, जो गाइज सराफत भाई के साले जी है, और वो भी आए यहाँ पे मूवी देखने के लिए, क्योंकि हमारे कहने पे आए थे कि भाई हम सब लोग साथ में देखेंगे। तो गाइज अभी जाते हैं, और सीरियसली बता रहा हूँ मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि एक्चुअली में जो हमें रिव्यू सुनने को मिल रहे हैं, जो देखने को मिल रहे हैं कि गाइज मूवी बहुत आउटस्टैंडिंग है और काफ़ी सारी सस्पेंस क्रिएट के उसके अंदर, तो मैं मेरे पर्सनल ओपिनियन दूंगा, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। और आप क्या कहना चाहो? देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है, और जब हम जा रहे हैं तो देखते हैं कैसी है पठान मूवी, और जितना सुना है उतना है या नहीं है वो वहाँ पे जाके फिर बाद में मालूम चलेगा। ओके सो चलो गाइज, तो बाकी की जानकारी जो आपको सराफत भाई देंगे। तो सराफत भाई सच में गाइज आज काफी ज्यादा फन होने वाला, व्लॉग को आप एंड तक देखना और काफी ज्यादा ही मजा। और गाइज हमारे साथ में नदीम भाई है, सबसे बड़ी बात है नदीम भाई 2-3 बारी चले हमारे साथ में, तो गाइज आज वापस आ गए, तो चलो फिर मिलते सीधा नदीम भाई के साथ में। नदीम भाई एक तो ये लिए, एक और कौन सी लिए, वो भी है अभी कैसे है? अब जो है इंटरवल हो चुकी है, और इंटरवल तक का जो सीन है बहुत ही जबरदस्त एक्शन सीन है, बहुत ही मजा आ रहा है। क्यों नदीम भाई? बहुत मस्त। और अभी एक सस्पेंस क्रिएट हुआ है, वो सस्पेंस ये है कि दीपिका पादुकोण ने शाहरुख खान को धोखा दे दिया है, और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है सेकंड पार्ट में। तो अभी तक जो पिक्चर बहुत मस्त है, और इंटरवल हुई है, ये देखिए ये थिएटर में बैठे हमारे साथ में ये है बिट्टू भाई, शाहरुख भाई, यार अमन अमन। तो चलिए अब सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में देखता है। और गाइस मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि बहुत ही सस्पेंसफुल मूवी है, एक से एक सस्पेंस आ रहा है इसके अंदर, और पूरी मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा कि कौन क्या कर रहा है, कौन किस में मिला हुआ है। तो अभी तक की जो फर्स्ट पार्ट है बहुत ही जबरदस्त हो रहा है, बहुत खतरनाक मजा आ रहा है। ये बिट्टू भाई थम्स अप, हम सब पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न सब उस हिसाब से। ये शाहरुख भाई साथ में हमारे सारे सब्सक्राइबर, ये हमारे नदीम भाई थम्स अप लेकर बैठे हुए। ये देखो ये अभी इंटरवल चल रहा है, ये है वो थिएटर, और अभी देखो ऐड चल रही है। तो फाइनली गाइस ये मूवी खत्म हो चुकी है, बहुत ब्लॉकबस्टर मूवी, ये देख सकते हो नाइट का शो है और पब्लिक, और गाइज काफी मजा आ गया यहाँ पर, देख सकते हो आप भीड़ भीड़, 9 बजे वाली भीड़। शाहरुख सर्दी में मुझे तो जबरदस्त वाली सर्दी भी बहुत जोरदार है, मजा भी बहुत आया, सीरियसली बहुत मजा आया। तो पठान हमने देख लिया, बहुत शानदार मूवी, बहुत शानदार। तो गाइज मैं तो यही कहना चाहूंगा आपको, एक बार जरूर इस मूवी को देखे, टोटल देशभक्ति की मूवी, और जितना मतलब लोगों ने बाइकॉट किया कोई सेंस नहीं है, और बहुत ही शानदार मूवी। तो कैसी लगी अमन भाई आपको ये मूवी? बढ़िया
बढ़िया। शाहरुख भाई आपको कैसी लगी? मेरा तो एक्चुअल में बताना चाहूँ उतना कम है, सीरियसली बता रहा हूँ गाइस, जिस तरफ का मींस जिस टाइप का इनकम मींस इस मूवी को लेके जो बयानबाजी चल रही थी वैसा कुछ भी नहीं हमें दिखा। बट सीरियसली मूवी और उसमें सस्पेंस इतने क्रिएट किए गए कि गाइस अब मैं बता रहा हूँ फर्स्ट बार जो देखेगा उसको। सलमान भाई की एंट्री, सलमान भाई की एंट्री तो लाजवाब है गाइस, मैं क्या बता रहा हूँ। और इसमें जो डायलॉग मारे ना उन्होंने, सीरियसली वो डायलॉग जो समझते हैं वो उस पे रिएक्ट करेगा कि रियल वो डायलॉग किसके लिए थे और क्या थे। और वो जो डायलॉग है वो रियल में जैसे मारे उन्होंने वैसे कि उनके जैसा कोई नहीं, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। क्यों नदीम भाई, सलमान भाई के डायलॉग के बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत ही शानदार डायलॉग था और उनकी बात में लीगली दम था। तो गाइस चलिए इस व्लॉग को यहीं पर खत्म करते, मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टिल देन। और गाइस भाईजान भी आ रही है, भाईजान आ रही है तो उसके लिए भी नहीं, किसी की जान और किसी का भाई, तो ठीक है उसके लिए भी वेट करना। और गाइस मैं बता रहा हूँ आप, सीरियसली मैं आपको एक्चुअल में बता रहा हूँ, आप जाइए देखिए, बहुत ही प्यारी मूवी है, फैमिली मूवी है। जैसे मिट्टू भाई आप कुछ कहना चाहोगे? मिट्टू भाई तो हैंग हो गए क्योंकि जॉन इनको एक्चुअल में जॉन इब्राहिम की एंट्री बहुत ही जोरदार लगी है, बोले मुझे शाहरुख खान से ज्यादा जॉन इब्राहिम का मीन जो इसमें रोल और जो उन्होंने की एक्टिंग वगैरह सुपर माइंड ब्लोइंग है गाइस। एंड तक जॉन इब्राहिम एक नंबर, शाहरुख की एंट्री भाई, आपने भाई भी आए थे, सलमान भाई भी आए थे, मैंने तो उनकी एंट्री अच्छी थी और शाहरुख भाई की भी एंट्री, और मतलब मिला के पैसा वसूल। मेरे कहने का मतलब कि मूवी का जो मतलब मुझे सबसे बेस्ट सीन लगा वो यही लगा, सलमान भाई की जो एंट्री थी वो, इसमें क्या जुमे, और जुमे जो पठान सॉन्ग पर क्या डांस किया यार यहाँ पर भी। और गाइज हाँ वो भी है, और मैं बता रहा हूँ एक्चुअली मैं टोटली समझो ना 90% देशभक्ति के ऊपर मूवी है, कैसे एक सोल्जर्स मीन्स अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता वगैरह वगैरह, तो इसमें आप जाइए और देखिए और एंजॉय कीजिए। अभी सब सस्पेंस इधर ही खोल दूंगा तो आप जाओगे नहीं, सही देखोगे शाहरुख से। चलिए गाइज इसके साथ इस व्लॉग को यहीं पर खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टिल देन वॉच आवर वीडियो।